बिहार में लगातार अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। बिहार सरकार पर कई सवाल एक साथ खड़े होते रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार अब तक कुछ स्पष्ट फैसले नहीं ले पा रही है। हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी अभी फिलहाल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी अभी हमारे साथ हैं। सर, बिहार में आपराधिक घटनाएँ इतनी बढ़ गई है, फिर भी पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सुध ले रही है? बिहार में अपराध काफ़ी बढ़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये अपराध के आंकड़े भी बता रहे हैं और जो घटनाएं हैं आम जनता जो झेल रही है वो जानती है। अब है कि अपराध क्यों नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़े के कारण है कि अपराध नियंत्रण का काम पुलिस विभाग का है और पुलिस का एक सिस्टम है थाना से लेके डीजी पुलिस तक, इसके लिए व्यवस्था के लिए उनको दायित्व दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन सभी स्तरों पर फेलियर है, जो ध्यान देना चाहिए, अपराधियों पर दबिश बनाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल करके सज़ा दिलानी चाहिए, क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। तो इन सब में कहीं ना कहीं कमी हो गई और इसके एक और भी कारण है कि ये जो शराबबंदी है इसके लागू करने में भी पुलिस विभाग के सभी पदाधिकारी सभी कोटि के लोग लग गए हैं। तो थाना में का काम है अपराध नियंत्रित करना, तो अगर पूरी शक्ति और ऊर्जा एक शराबबंदी को लागू करने में लग जाएगी तो नेचुरली जो ध्यान देना चाहिए अपराध नियंत्रण पर उतना समय और एनर्जी पुलिस विभाग के लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो एक ये भी वजह है, गिट्टी बालू शराब ये सब पर कंट्रोल तो सरकार ने किया, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो तंत्र है उसी पर सारा जवाबदेही दे रहे हैं। और दूसरे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो भ्रष्टाचार बढ़ने से भी जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और जो एक गठजोड़ बन जाता है अपराधी माफिया क्रिमिनल्स और दूसरे जो भी तत्व हैं इसमें जिनका इंटरेस्ट है, तो उसके चलते भी कार्रवाई जो करनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। 2016 में 1 अप्रैल को शराबबंदी की गई थी, क्या लगता है अब तक शराबबंदी का कोई भी असर आपको नज़र आया? दिख रहा है कि शराबबंदी सफल हो जाएगी? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा है। ये शराब जो है ऐसा डाइन है जो हर जगह है, सामने न दिखे लेकिन हर जगह मौजूद है। होम डिलीवरी हो रही है, वो नदी का रास्ता हो या कोई भी मार्ग हो, अपराधी स्मगलर। आप भी मानते हैं कि सरकार इसमें विफल रही है? जहाँ तक नियंत्रण करने का सवाल है तो नियंत्रण तो नहीं हो पाया है। शराब का सेवन हो, स्मगलिंग हो, आप देख रहे हैं जहरीली शराब पीने से कितनी मौतें बेतिया बगहा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर अभी हाल में वैशाली में भी हुई है। असेंबली में देख रहे हैं कि खाली बोतलें मिली हैं, तो हर जगह तो मौजूद है। अगर घटनाक्रम की बात करें तो आज ही ट्रेन में गोलीबारी भी हुई है जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी रही हैं, शराब पर आप अंकुश लगा ही नहीं पा रहे। आप क्या मानते हैं पुलिसिया विभाग में कितना राजनीतिकरण अब होने लगा है? राजनीतिकरण तो आप मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस का जो काम है ड्यूटी है जवाबदेही है उसमें तो कहीं ना कहीं कमी है, काफ़ी कमी है बिल्कुल इसमें, और सभी स्तरों पर कमी है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आईपीएस ऑफिसर होते हैं सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो थाना के ऊपर जो अंकुश रहना चाहिए कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। स्थिति यही है सामान्य प्रशासन की। जी, ये तो बिल्कुल अपराध का जो सिनारियो है उससे बिल्कुल ये अस्पष्ट है। कई पुलिस वालों पर भी शराब बेचने का शराब में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या आप भी मानते हैं कि पुलिसिया विभाग कार्रवाई में संलिप्त है? नहीं, पूरा पुलिस विभाग को तो नहीं इसमें संलिप्त ठहराया जा सकता है, लेकिन हमारे बीच पुलिस के तंत्र के बीच कुछ ना कुछ लोग तो हैं जिनका गठजोड़ हो जाता है स्मगलर से और जो इस तरह के इलीगल व्यापार करते हैं उनसे,
तो कुछ लोग तो हैं ही, अभी एक एसपी ने ही जो है वो मद्य निषेध विभाग में एक एसपी ने ही इस बात को उठाया था, उनका तबादला भी हो गया कि जो है जो थानेदार हैं या जो भी लोग संलिप्त हैं, बड़े कोटि के भी लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए और ताकि एक डेटरेंट मैसेज जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तबादला उन कार्रवाई उन पे ट्रांसफर ले लीजिए। तो अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बिहार के पूर्व डीजीपी, अभी फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि बिहार में एक तरफ जहां शराबबंदी विफल रही है, वहीं लगातार आपराधिक घटनाएं भी बढ़ने लगी है और बिहार सरकार अब तक यह मानने को तैयार नहीं है कि शराबबंदी उसका विफल प्रयोग है, क्योंकि शराबबंदी आज भी उसी एवज में चल रही है जैसे समीक्षा करने से पहले चलती आ रही थी। कल भी जहरीली शराब पटना राजधानी पटना से बास घाट से पकड़ाया, वो भी खबर हमने आप तक दिखाया। क्या प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती हैं और कितना प्रशासन की मिलीभगत होती है, आप खुद तय कर लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।